नमस्कार, मैं प्रेरणा शर्मा थिंक टैंक पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जैसे कि समय समय पर हम इंडोनेशिया की वीडियोस आपके लिए लेकर ही आते हैं, इसी तरीके से इंडोनेशिया के जावा में कठपुतलियाँ बनाने का काम किया जाता है। उसी के साथ साथ वहाँ पर भगवान राम, माता सीता, घटोत्कच आदि जैसे महान देवी देवताओं की जो है कठपुतलियाँ बनाई जाती हैं, जो कि भैंस की खाल से बनाई जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि उन लोगों का मानना है कि जो गाय होती है वह हिंदू धर्म में पवित्र मानी जाती है, इसीलिए हम हिंदुओं का सम्मान करते हैं और उनकी पूजनीय गाय माता की चमड़ी से हम इन कठपुतलियों की निर्माण नहीं कर सकते हैं, इसीलिए वह भैंस की खाल का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, एक इंडोनेशिया का मुसलमान है जो हिंदू धर्म की देवी देवताओं का इतना सम्मान करता है, वह कहता है कि ये मुस्लिम देश है, लेकिन आज भी हमने श्री राम जी को भुलाया नहीं है, क्योंकि हमारे जो पूर्वज हैं वो हिंदू थे। और भारत में देखिए, ऐसे लोग हैं जो गाय को काटकर खाना अपना अधिकार समझते हैं। मुसलमान तो मुसलमान, लेकिन कुछ बुद्धिजीवी हिंदू भी ऐसे हैं जो गाय को काटते हैं और खाते हैं और कहते हैं कि ये हमारा अधिकार है, जन्मसिद्ध अधिकार है। ऐसे ऐसे लोग हैं, अपने ही धर्म को लेकर इस तरीके की बातें करते हैं, बहुत ही शर्मसार कर देने वाली बात है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि किस तरीके से इंडोनेशिया में हिंदू धर्म फैल रहा है, हिंदू धर्म का सम्मान किया जाता है। दोस्तों, एक छोटी सी बात याद आई है, मैं आपको बताती हूँ। एक बार की बात है, एक विदेशी भारत आया था और उसने पूछा कि ये राम मंदिर विवाद क्या है। तो किसी ने उसे बताया कि राम मंदिर विवाद ये है कि कई लोग ऐसा दावा करते हैं कि श्री राम भारत के नहीं थे, वह इंडोनेशिया से आए थे और वह मुसलमान थे। तो यह देखकर उस अंग्रेज की आंखों में आंसू आ गया और वह सोचा कि हम तो ये सोचे बैठे थे कि भारत में श्री राम का बड़ा सम्मान होता होगा, श्री राम कितने पूजनीय होंगे, लेकिन यहाँ की तो हालत ही खराब है। तो ये सुनकर रोना आता है, बड़ी शर्मिंदगी होती है कि हमारे ही देश में हमारे देवी देवताओं के लिए कुछ ऐसे लोग हैं जो इस तरीके की बातें करते हैं, प्रपंच बताते हैं हमारे देवी देवताओं को। ऐसे लोगों को तो देश से निकाल कर बाहर फेंक देना चाहिए। ये ऐसा देश है जहाँ पर हिंदू 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 त्योहारों की बधाई देना भी वर्जित है। कहते हैं किसी गैर हिंदू त्यौहार की बधाई हमें नहीं चाहिए। खैर, आज की वीडियो के विषय पर आते हैं। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे किस तरीके से इंडोनेशिया में हिंदू धर्म फैल रहा है, कितने लोग हिंदू बने हैं। तो बने रहिए हमारे साथ आज की इस वीडियो में। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है आपको, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि वीडियो में आपके लिए कुछ ऐसा लाएंगे जो हिंदू होने के नाते हमारा जानना बहुत अति आवश्यक है और ये जानकर हमें ही गर्व होने वाला है। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, इंडोनेशिया विश्व का सबसे बड़ा मुस्लिम बहुल देश है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा मुसलमानों की आबादी है। 87.5% मुसलमान वहाँ रहते हैं, तब भी वहाँ पर हिंदू देवी देवताओं का इतना सम्मान किया जाता है, हद से ज़्यादा। जैसे कि भारत में देखा जाता है, हिंदू देवी देवताओं के त्योहारों के दिन देश में सांप्रदायिक दंगे होते हैं, वहीं इंडोनेशिया में सब मिलके भगवान की पूजा करते हैं। सिर्फ हिंदू ही नहीं बल्कि मुस्लिम आबादी भी भगवान की पूजा करती है, ये देखा गया है। आज भी इंडोनेशिया के जकार्ता स्क्वायर में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन की रथ पर मूर्ति बनी हुई है और सबसे बड़ी भगवान विष्णु की मूर्ति भी इंडोनेशिया में है। वहाँ के प्रत्येक व्यक्ति को भारत, महाभारत और रामायण की जानकारी है, क्योंकि वे अपने इतिहास को जानते हैं। वही भारत को देख लीजिए, तो बच्चे से आप किसी भी बच्चे से पूछ लीजिए, मैं शर्त लगा सकती हूँ कि 100 में से 50 बच्चों को अपने इतिहास के बारे में नहीं पता होगा। ऐसी कई सारी वीडियोज़ आती हैं जिनमें बच्चे हनुमान को रावण का भाई बताते हैं, ये बहुत ही शर्मिंदगी की बात है, लेकिन ऐसा होता है भारत में। लेकिन वहीं दूसरी तरफ देखें कि दैनिक जागरण की एक रिपोर्ट देखें तो पिछले 6 महीने में 1.5 लाख लोगों ने हिंदू धर्म अपनाया है, ये बहुत बड़ी बात है। और 2010 की रिपोर्ट दैनिक जागरण के अनुसार इंडोनेशिया में जो थे 1.2 करोड़ हिंदू थे, जो कि आज 2 करोड़ से भी उनकी अधिक संख्या है, बहुत ज़्यादा संख्या है, इतने लोगों ने हिंदू धर्म अपनाया है। इंडोनेशिया के लोग हिंदू धर्म के लिए बड़े ही जागरूक हैं और बड़ा ही सम्मान करते हैं। तो ये सम्मान प्रत्येक हिंदू में भी होना चाहिए कि वे अपने धर्म के प्रति इतने ही जागरूक हों और सतर्क रहें जैसे बाहर के देश के लोग रहते हैं। तो समझना होगा, सोचना होगा और अपने धर्म के प्रति जागरूक होना पड़ेगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही।
हिंदू होने के नाते मेरा फर्ज था आपसे ये जानकारी साझा करना। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक शेयर करें। नमस्कार।